हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, पीजीआई रोहतक के बारे में। आज हम कंप्लीट डिस्कशन इसके रिगार्डिंग होने वाला है, तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे हरियाणा बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि हम डेली एक वीडियो तुम्हारे सामने प्रेजेंट करते हैं, डेली एक वीडियो हमारी आती है रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं एवरी यहाँ पे स्टेट को कवर करने की, तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, हमारे चैनल को और पुष्पा फोगाट वाले चैनल को भी। उस पर भी हम यूज़फुल वीडियोस डालने की कोशिश करते हैं। एंड उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अभी तुम देख सकते हो, हम पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना वगैरह से रिलेटेड बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी कैसे फिल करना है, सब कुछ हम वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। एंड फ्यूचर में मतलब रेगुलर जो हमारी अभी डेली क्लासेस आने वाली है, आज हरियाणा से रिगार्डिंग है, कल किसी और स्टेट से रिगार्डिंग हो सकती है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो उसके बट ये श्योर है कि हर स्टेट से रिगार्डिंग अभी जिस जिसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं सभी से रिगार्डिंग हमने तुम्हें नोटिफाई किया है। तो आगे भी हम फ्यूचर में कल परसों डेली जो भी क्लासेस होंगी वो रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म ही होंगे, जिससे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को असेस करने की। हम डेली तुम्हें ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो। हर स्टेट के बारे में तुम्हें नॉलेज देंगे कि किसके एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं, निकले हुए हैं या नहीं निकले हुए हैं, तुम कब अप्लाई कर सकते हो, तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी कट ऑफ जाएगी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे हर स्टेट के बारे में, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पीजीआई रोहतक के बारे में। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो तुम्हें पता है कि नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो चुका है। नोटिफिकेशन बहुत टाइम पहले रिलीज़ हो चुका था, सितंबर में नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका था। तो उस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो पंडित भगवत दयाल शर्मा होगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। हरियाणा में जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे उन्हीं के लिए वो पंडित भगत दयाल शर्मा रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कंडक्ट कराएगी मतलब कि कंबाइन एग्ज़ाम होगा, जिसके थ्रू तुम्हें कहीं भी हरियाणा में अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसी के थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, चाहे तुम गवर्नमेंट में लो। यहाँ पे 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में तुम्हें पता होगा, फर्स्ट पीजीआई में है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पीजीआई में रोहतक, देन करनाल में डीडीयू करनाल में है, देन यहाँ पे सफ़ीदों में है। अदर देन दैट इनके अलावा भी यहाँ पे जो भी प्राइवेट है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी यहाँ पे पीजीआई के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। सेमी गवर्नमेंट लाइक अग्रवा हो गया, उसमें भी यहाँ पे पीजीआई के थ्रू ही तुम्हें एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट जैसे कि हो गए, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं हरियाणा में बीएससी नर्सिंग में, जो भी बच्चा हरियाणा में एडमिशन लेगा वो यहाँ पे पीजीआई के थ्रू ही लेने वाला है। तो अभी तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो अगर कोई सोच रहा हो कि एग्ज़ाम हो चुका है तो अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अब इसी के थ्रू यहाँ पे सब कुछ एडमिशन मिलने वाला है। चाहे 2-3 दिन पहले बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे चैनल पे कि यहाँ पे नहीं, सेमी गवर्नमेंट में इसके थ्रू नहीं होता है, बट यहाँ पे कोई भी अगर तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसी के थ्रू तुम्हें जाना होता है। बट ये रहता है कि रिगार्डिंग सीट बुकिंग, कि सीट बुकिंग पहले से चालू हो सकती है, मतलब गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट में तुम्हें पता है कि हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है, उसके थ्रू तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, बट यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की एंड प्राइवेट की सीट बुकिंग चलती है पहले। मतलब जैसे कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकला उससे पहले भी बच्चे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे ऑनलाइन भी नंबर्स अवेलेबल होते हैं, वरना वैसे भी ऑफलाइन भी कहीं से मतलब पोस्टर वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। लाइक मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे इसकी सीट बुकिंग ऑलरेडी करवा लेनी चाहिए, या फिर मैं इसकी सीट बुकिंग करवा लेता हूँ, तो वो सीट बुकिंग होना नॉर्मल बात है, एवरी ईयर चलता है, सीट बुकिंग करवा लेते हैं बच्चे। बट यहाँ पे अब उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो टोटली यहाँ पे काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा अच्छा कॉलेज है तो उसमें अगर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो उसमें एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा रहता है। बाकी सीट बुकिंग पहले से स्टार्ट हो जाएगी, सीट बुकिंग नो डाउट स्टार्ट हो जाती है, बट एडमिशन तुम्हें काउंसलिंग के थ्रू ही, पीजीआई के थ्रू ही मिलने वाला है। ये डाउट सबसे पहले मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया।
तो अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था जिसमें बताया गया था कि इस ईयर जो है एंट्रेंस एग्जाम पीजीआई कंडक्ट कराएगा, एंट्रेंस एग्जाम ही होने वाला है, उसी के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, ट्वेल्थ बेस पे एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मतलब कि यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे इस बार एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए, जैसे कि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इस बार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो मतलब ये तो श्योर है कि एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ऐसा नहीं है कि जनवरी में होगा फरवरी में होगा, इस साल के लिए है तो इसी साल के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी वो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, एलिजिबिलिटी वगैरह भी सब कुछ बताया गया था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले भी, और आई थॉट कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का काम है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, स्टूडेंट्स का काम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी हर साल एडमिशन लेती है तो इस बार भी एडमिशन लेगी, एंड उसके साथ साथ अगर इस साल एडमिशन नहीं हुए तो एक चेन ब्रेक हो जाएगी। बीएससी नर्सिंग लेट्स सपोज कि अभी जो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में थे स्टूडेंट्स वो अभी सेकंड ईयर में हो जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर के कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। एक ईयर को चलाना और विदाउट द स्टूडेंट्स उसको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो ये वैकेंट सीट्स रहना कोई एक सीट, तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट की कोई भी या फिर प्राइवेट की भी, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की मैं यहाँ पर बात करूँगी बिकॉज गवर्नमेंट का पहले होता है एडमिशन, तो गवर्नमेंट की एक भी सीट जो है खाली जाने में भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो एक भी सीट के लिए मॉपअप राउंड्स जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, तो तुम्हारे लिए तो काफ़ी सारी सीट्स हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 सीट्स गवर्नमेंट की हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीट्स जो है वो यहाँ पे वैकेंट नहीं जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर यूनिवर्सिटी जो है, अगर बच्चे सोच रहे हैं कि कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी इस ईयर कैंसिल कर देगी, तो उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रेशराइज्ड होती है, ऊपर से DMAR का भी प्रेशर होता है यूनिवर्सिटी पे और अदर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका भी प्रेशर होता है, उनको कंडक्ट कराना होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर वो कुछ भी गड़बड़ करते हैं छोटी मोटी भी, तो उसके लिए भी उनको रिटर्न में सब कुछ यहाँ पे देना होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी अगर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराए, 2-3 साल पहले की बात है कि मतलब जैसे कि यहाँ पे अपनी एक सीट वैकेंट रह गई थी गवर्नमेंट की, और मॉपअप राउंड के बाद भी वो फिल नहीं हुई थी, एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात है, तो उसके लिए भी उन्होंने सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र किया कहीं से बच्चों का, तब जाके वो सीट जो है फिल कराई, बिकॉज गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उसके लिए खर्चा आ रहा है उस सीट के लिए पर्टिकुलर। अगर गवर्नमेंट को अगर डॉक्टर्स बनाने हैं, नर्सेज बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो वो एक सीट भी यहाँ पे वैकेंट नहीं छोड़ने वाले हैं। और अभी तो तुम्हारे कंप्लीट यहाँ पे ईयर की बात है, तो ईयर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, एक चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है, कंप्लीट यहाँ पे तुम्हारा कराया जाएगा। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे प्रोग्राम जो है पीजीआई में, वहाँ पे अगर स्टार्ट हो गया तो 1 ईयर यहाँ पे लैप्स हो जाएगा जैसे मैंने तुम्हें बता दिया। तो यहाँ पे सिर्फ पैंडेमिक की वजह से हो रहा है, कोविड की वजह से हो रहा है, तो तुम्हें इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि तुम नीट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि नीट में भी इस बार जो है कितना लेट हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट हुआ है नीट में भी इस बार जो है, तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट में कितना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं हर किसी बच्चे, वैसे तो इस बार गवर्नमेंट ने फीस बढ़ा दी है हरियाणा वालों ने, बट फिर भी यहाँ पे अगर हम बोलें तो एक ईयर बच्चों का वेस्ट नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ जो तुम्हारे लेट हो रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि नवंबर आ गया है एंड एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए तुम्हारी आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, जो भी तुम्हारे यहाँ पे ईयरली वाइज जो प्रोग्राम्स होते हैं सब कुछ होंगे उनको यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आगे जाके कम्प्लीटली रिजोल्व करने वाली है। तो यहाँ पे तुम्हारे जैसे कि मतलब क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 8 मंथ का जो फर्स्ट ईयर होता है 12 मंथ्स का होता है, तो तुम्हारा 1-2 साल पहले भी हुआ था जब एंट्रेंस एग्ज़ाम लेट हो गया था काफ़ी, तो यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट ईयर था वो यहाँ पे 1 ईयर की बजाय 8 मंथ्स हो जाता है, बट जो तुम्हारे आगे के जो नेक्स्ट ईयर्स होंगे वो कम्प्लीटली नॉर्मल चलने वाले हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और तुम्हें ज़्यादा नहीं सिलेबस जल्दी जल्दी करा देंगे, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, निकल जाएंगे। जब भी निकलेंगे तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, पेंडेमिक की वजह से हो रहा है, कोविड की वजह से हो रहा है, वरना इतना लेट तो कभी भी नहीं होता है, तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। एडमिशन तो हर ईयर चलते ही आए हैं,
कितना पुराना रिकॉर्ड है, जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है अब तक ऐसा एक ईयर भी नहीं गया है कि जिसमें यहाँ पे एडमिशन्स नहीं हुए हों गवर्नमेंट में। चाहे कि जितनी भी सीट्स हों, एडमिशन्स तो हर साल होते ही हैं। मतलब पहले पीजीआई की सीट्स थी, देन यहाँ पे करनाल के एंड सफीदों की भी ऐड कर दी गई थी, बाकी एवरी ईयर यहाँ पे एडमिशन्स तो चलते ही रहते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो आई थॉट कि तुम इस बात को समझने की कोशिश करोगे कि ये जो अपना वर्क है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, यूनिवर्सिटी का है, एंड यूनिवर्सिटी जो है अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम करेगी। उनको यहाँ पे लाइक अभी तो यहाँ पे जो मास्टर कोर्सेज हैं उन्हीं में एडमिशन चल रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें अपडेट देते रहती हूँ, तो तुम्हें पता होगा कि एम फार्मा के अभी एडमिशन्स चले थे, तो एम फार्मा के एडमिशन्स हुए थे, तो अभी मास्टर के यहाँ पे एडमिशन्स हुए थे, अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन के यहाँ पे सोचेंगे, अभी जैसे मास्टर्स के हो चुके हैं तो अभी तुम्हारे लिए पूरे पूरे यहाँ पे मतलब कि चांसेस हैं कि तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। तो आई थॉट तुम इस बात को समझने की कोशिश करोगे कि कोविड में जो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मतलब इकट्ठा हो सकते, बट नो डाउट जैसे कोविड आया है कि जो यूनिवर्सिटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डबल हो जाती हैं। वो सिर्फ वही बातें ध्यान नहीं रखने होते, प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट करना होता है, तो इसके रिगार्डिंग ये सब कुछ लेट हो रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे मैं तुम्हें नोटिफाई कर दूंगी। एंड नोटिफिकेशन जैसे मैं तो नोटिफिकेशन जब रिलीज़ हुआ था, जब मैंने तुम्हें बता दिया था कि 10 सितंबर को यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था कि प्रोसीजर ये रहने वाला है और एंट्रेंस ही यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्लीट बता सकता है। तो यहाँ पे जब तक तुम्हें यूनिवर्सिटी की साइड से कुछ रिटर्न में हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। कंप्लीट रिटर्न में तुम्हें यहाँ पे 11 पेजों का दे रखा है, तो ऐसे नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए।